पुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन का दिव्य संवाद है श्रीमद्भागवत गीता। हिंदू धर्म का आधार है गीता। जिंदगी के हर प्रश्न का समाधान देती है गीता। श्रीमद्भागवत गीता जो आज से 5000 साल से भी अधिक पहले लिखी गई, क्या वर्तमान में उतनी ही प्रासंगिक है? व्याख्या होगी गीता के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और ऐसे कितने ही पहलुओं की। खुलेगा एक एक श्लोक और वो भी वर्तमान जिंदगी के उदाहरणों के साथ। आप सुनेंगे श्री मद्भागवत गीता की एक वृहद व्याख्या। आज के संदर्भ में प्रस्तुत करता है माया वसंदानी। श्री मद्भागवत गीता की व्याख्या के दौरान वक्ता द्वारा पेश किए गए विचार गीता से संबंधित धार्मिक साहित्य, इंटरनेट या विद्यार्थी जीवन में वक्ता द्वारा पढ़े गए साहित्य व वक्ता के निजी विचार, भाव एवं अनुभव पर आधारित हैं। व्याख्या करने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। अगर किसी की भी भावना आहत होती है तो वक्ता व चैनल इसके लिए अग्रिम रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। गीता की व्याख्या का प्राथमिक उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी में गीता के प्रति रुचि पैदा करना व गीता के प्रति मान बढ़ाना है। इस विषय में पहले से ही पारंगत विद्वानों से तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना या किसी भी बहस चर्चा में उलझने का भी कोई उद्देश्य नहीं है। गीता की व्याख्या के दौरान जो भी उदाहरण लिए गए हैं वो व्यावहारिक जिंदगी पर तो आधारित हैं, परंतु किसी की व्यक्तिगत जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए निवेदन है कि इन उदाहरणों को व्यक्तिगत तौर पर न लिया जाए। किसी भी सुझाव या सवाल के लिए एकमात्र जरिया चैनल का कमेंट बॉक्स ही रहेगा। निजी तौर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप द्वारा वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी। कमेंट बॉक्स में आए हुए श्रोताओं के कमेंट्स, प्रयुक्त शब्द इत्यादि की भी
वक्ता या चैनल की जवाबदेही नहीं रहेगी।